I welcome you all to Learn Karo Classes. I am Riddhi, your commerce educator. And आज आप लोगों के लिए बहुत important session, बहुत important video मैं लेकर आई हूँ कि BCom या फिर BCom honors अगर हम लोग करना चाहते हैं, BCom या फिर BCom honors programs अगर हम opt करना चाहते हैं हमारे colleges में, universities में, तो क्या criteria है, क्या-क्या हमें domains लेने हैं, कैसे form fill करना है, कौन-कौन से subjects एलिजिबल करेंगे हमें एडमिशन के लिए, ये सारी बातें आपके साथ आज के सेशन में मैं करूंगी। तो इसीलिए एक एक बात को बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना और बहुत क्लियरली आपको सारी बातें क्लियर हो पाएंगी अगर बहुत ध्यान से सुनते हो तो। ठीक है, डीयू में एडमिशन कैसे होगा, यानी कि डीयू का सीयूईटी एग्जाम, यानी डीयू में एलिजिबल होने के लिए हमें कौन कौन से डोमेन्स लेने हैं या फिर कौन कौन से सेक्शंस देने बहुत जरूरी है, ये बातें मैं आपको बता रही हूँ कि BHU में हमें कौन से लेने हैं, ये टोटल बातें और भी कुछ यूनिवर्सिटीज की बातें आज के सेशन में मैं आपको बहुत क्लियरली समझाने वाली हूँ। तो इसीलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड सबसे पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी, DU के बारे में समझते हैं। अगर DU में मुझे BCom करना है तो अगर हमारे पास जो भी बच्चे कॉमर्स के, साइंस के अगर BCom करना चाहते हैं तो उनको कौन से एग्जाम देने हैं, कौन सा डोमेन देना जरूरी है, वो बातें आज के सेशन में हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो यहां पर बहुत ध्यान से बातों को समझना एंड एक एक बात को क्लियरली दिमाग लगाकर सुनना, यहां पर इन बातों को बहुत ध्यान से सुनना कि क्या केसेस हो सकते हैं एनी वन फ्रॉम सेक्शन वन या फिर एनी थ्री फ्रॉम सेक्शन टू। ये क्या बात मैम आपने बोली, एक बार हमें दोबारा से समझाओ। सेक्शन वन में आप लोगों के पास क्या आती है, सेक्शन वन में आएंगी लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस को DU ने कैसे स्पेसिफाई कर दिया, DU ने बोल दिया कि दीज आर योर लिस्ट ए, ये सारी की सारी लैंग्वेजेस में आप सभी एक लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हो, तो एक लैंग्वेज देना कंपल्सरी है। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन निकल कर आते हैं, एक कॉम्बिनेशन ये है, एक कॉम्बिनेशन ये वाला है। स्क्रीनशॉट लो अभी और मैं इसको बहुत क्लियरली आपको समझाती हूँ। ठीक है जी, बात कर रहे हैं हम यहाँ पर BCom की। अगर BCom करनी है किसी बच्चे को फ्रॉम DU, BCom के लिए हमें कौन सा एग्जाम देना है, तो सबसे पहले तो हमें सेक्शन वन यानी कि लैंग्वेज, सेक्शन वन यानी कि लैंग्वेज एक देनी ही देनी है। सेक्शन वन में से एक लैंग्वेज कंपल्सरीली देनी ही देनी होगी। ठीक है, इतना समझ आया। लेट्स कम टू फर्दर पार्ट। फर्दर यहां पर हमारे पास क्या ऑप्शन है कि दो डोमेन्स, टू डोमेन्स यू हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम, टू डोमेन्स फ्रॉम B1। मैम B1 कौन है, अब ये B1 कौन सी बला है, तो B1 की अगर बात की जाए तो B1 आपके पास ये लिस्ट जो DU ने बनाकर दी है वो डायरेक्ट B1 की लिस्ट ये। स्क्रीनशॉट लो अभी के अभी। देखो बहुत दिमाग की बात है, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा तो बहुत क्लियर हो पाएगा। तो लिस्ट B है ये हमारे पास B1, एक लिस्ट B1 है, दूसरी लिस्ट है B2। ठीक है, तो B1 में से मुझे दो डोमेन्स देने ही देने पड़ेंगे। ठीक है, B1 में से मुझे दो डोमेन्स देने ही देने। अब मैं चाहे वो अकाउंटेंसी ले लूं, बिजनेस स्टडीज ले लूं या फिर जो भी डोमेन्स अवेलेबल है अपने हिसाब से आप उस डोमेन को ऑप्ट कर सकते हो। ये सारे B1 में अवेलेबल हैं। हिस्ट्री भी ले सकती हूं मैं अगर, और केमिस्ट्री भी ले सकती हूं मैं, तो दो डोमेन तो B1 में से लेने ही लेने पड़ेंगे। ठीक है मैम, इतनी बात हम समझ गए। अब यहां पर एक ऑप्शन हमें क्या मिलता है कि या तो B1 में से एक सब्जेक्ट दे दो या फिर B2 में से एक सब्जेक्ट दे दो। ये हमारे पास BCom में एडमिशन का क्राइटेरिया है, ये सारे सब्जेक्ट, ये सारे एग्जाम्स हमें देने पड़ेंगे। ठीक है, एक लैंग्वेज कंपलसरी, ठीक है जी, टू डोमेन्स फ्रॉम B1, ठीक है जी, या फिर B1 में से एक डोमेन या फिर B2 में से एक डोमेन। तो यहां पर ही आपके पास बन जाते हैं फोर एग्जाम्स, फोर सब्जेक्ट बन जाते हैं। ठीक है, बहुत क्लियर हुई ये बात हमें, बहुत अच्छे से समझ पाए BCom में एडमिशन लेने का क्या क्राइटेरिया है। क्लियर है, क्लियर टू एवरीवन। यही कॉम्बिनेशन यहां पर लिखा है, एक लैंग्वेज ले सकते हो, लेनी लेनी है, एंड एनी टू
सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी वन या फिर वन सब्जेक्ट फ्रॉम बी वन, वन सब्जेक्ट फ्रॉम बी टू, दोनों में से एक ले सकते हो थर्ड फोर्थ एग्जाम के लिए। दो डोमेन बी वन में से देने ही पड़ेंगे, थर्ड आप जो अपना डोमेन दे रहे हो वो बी वन में से भी ले सकते हो और बी टू में से भी ले सकते हो, ये ऑप्शनल है। यही वाला केस यहां पर अगेन समझाएगा। फर्दर समझते हैं कॉम्बिनेशन टू क्या कहता है। एनी वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज दे दो, ठीक है, एक लैंग्वेज देनी ही देनी। सेकेंड हमारे पास क्या है, अगर बी वन में से एक दे देते हो तो सेक्शन थ्री पूरा दे दो। सेक्शन थ्री का मतलब क्या है, जनरल टेस्ट, समझ पाए, ठीक है। एक बार यहां पर दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं, बीकॉम का सेकंड ऑप्शन हमारे पास, सेकंड ऑप्शन सेकंड केस क्या है, लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन वन और लिस्ट ए, एक देनी ही देनी है, ठीक है, वेरी क्लियर। तो क्या कर सकते हो, एक डोमेन दे दो, वन डोमेन फ्रॉम बी वन, फ्रॉम बी वन, ये सारी डीयू की बातें हैं, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात अभी मैं समझा रही हूं। और थर्ड दे दो सेक्शन थ्री विच इज जनरल टेस्ट, विच इज जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट, समझ पाए हम इन बातों को। तो दो ऑप्शन है हमारे पास बीकॉम के लिए एलिजिबल होने के लिए, एक पहला जो मैंने समझाया, दूसरा कहता है कि एक लैंग्वेज देनी ही देनी है, एक डोमेन बी वन में से ले लो, अगर ज्यादा डोमेन नहीं देना चाहते तो सेक्शन थ्री का जनरल टेस्ट ऑप्ट कर लो, अगर ज्यादा डोमेन नहीं देना चाहते तो दिस इज द ऑप्शन फॉर यू। जनरल टेस्ट में आपको पता है एप्टीट्यूड वगैरह वाली चीजें आने वाली है, रीजनिंग वगैरह, क्लियर। यहां पर हम बीकॉम समझ पाए बहुत अच्छे से, बीकॉम की बात मुझे यहां पर क्लियर हुई या फिर नहीं हुई, देन आई विल एक्सप्लेन बीकॉम ऑनर्स के लिए क्या करना पड़ेगा। चलो बीकॉम ऑनर्स समझते हैं। बीकॉम ऑनर्स में क्या ऑप्शन है हमारे पास, वन सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन वन, लैंग्वेज 13 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज दे दो, या फिर लैंग्वेज तो देनी देनी है प्लस मैथ्स और अकाउंटेंसी में से एक दे दो, और एनी टू फ्रॉम सेक्शन टू, और बाकी आप सेक्शन टू यानी कि आपके 27 डोमेन्स में से कोई भी उठा सकते हो। मैथ्स या अकाउंट्स देना कंपलसरी है, मैथ्स या फिर अकाउंट दोनों में से एक दे सकते हो। मैम थोड़ा और एक्सप्लेन करो। चलिए तो यहां पर हमारे पास कॉम्बिनेशन वन बनता है, एनी वन लैंग्वेज लिस्ट ए में से कोई भी लैंग्वेज उठा सकते हो। मान लो कि आपने इंग्लिश लिया, आपके पास 13 लैंग्वेज अवेलेबल है, आपने एक वन लैंग्वेज उठाया इंग्लिश। अब मैथ्स देना ही देना है, ठीक है, मैथ्स देना ही देना है प्लस एनी टू सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन शुड बी फ्रॉम बी वन। अब क्या कर सकते हो, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट शुड बी फ्रॉम बी वन, आपको देखो एक लैंग्वेज देनी है, मैथ्स देना है, बट यहाँ पे फर्दर क्या होगा, कोई भी दो सब्जेक्ट ले सकते हो, एक बी वन में से होना चाहिए, दूसरा बी टू में से भी ले सकते हो, बी वन में से भी ले सकते हो, समझ पाए। अगेन यहाँ पे हमें फोर एग्जाम देने होंगे बी कॉम ऑनर्स के लिए, एक लैंग्वेज, दूसरा मैथ्स एंड एक बी वन में से कोई सब्जेक्ट, और फोर्थ सब्जेक्ट ऑप्शनल है, बी वन में से भी ले सकते हो, बी टू में से भी ले सकते हो, वेरी क्लियर। अब उन बच्चों की प्रॉब्लम की मैम जो कॉमर्स विदाउट मैथ्स वाले हैं क्या वो बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, यस वो बिल्कुल बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। कैसे, सेकंड कॉम्बिनेशन समझो, सेकंड कॉम्बिनेशन कहता है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, लिस्ट ए में से यानी कि 13 लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज दे दो, प्लस अकाउंटेंसी का एग्जाम दे दो, अपना अकाउंट का एग्जाम दे दो, एंड फर्दर आपके पास वही सेम कि कोई भी दो सब्जेक्ट करने हैं, एक बी वन में से जरूर होना चाहिए, दूसरा बी टू में से भी ले सकते हो, बी वन में से भी ले सकते हो, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार और कर लेते हैं, बीकॉम ऑनर्स में क्या करना, बीकॉम ऑनर्स को एक बार और समझते हैं कि एक लैंग्वेज एनी वन लैंग्वेज देनी ही देनी पड़ेगी, ठीक है, समझ गए इतनी बात मैम, क्लियर हो गई। सेकेंड ऑप्शन क्या है, या तो मैथ्स दे सकते हो या फिर अकाउंट्स दे सकते हो, इन दोनों के अलावा ऑप्शन नहीं है, इन दोनों को तो ऑप्ट करना ही पड़ेगा। अगर बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो तो इन दोनों में से एक एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, या तो मैथ्स दे दो या फिर अकाउंट्स दे दो। जिनके पास कॉमर्स विद मैथ्स है वो मैथ्स भी दे सकते हैं, विदाउट मैथ्स वाले तो अकाउंट्स ही लेंगे। चलिए
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दो डोमेन देने हैं, टू डोमेन्स वी हैव टू गिव फर्दर। अब इन टू डोमेन्स में से B1 जो है, B1 में से एक सब्जेक्ट उठाना इज कंपल्सरी, बट अगर हम चाहे तो दूसरा सब्जेक्ट B1 में से भी ले सकते हैं और B2 में से भी ले सकते हैं, वन सब्जेक्ट फ्रॉम B1 और B2। BCom ऑनर्स क्लियर हुआ कि BCom ऑनर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? मुझे लगता है अब हर बच्चे को ये बात समझ आ गई होगी। बहुत क्लियरली मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। B1 का स्क्रीनशॉट लो, B2 का स्क्रीनशॉट लो एंड साथ के साथ लिस्ट A का भी स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर इंग्लिश हिंदी के अलावा आप किसी और लैंग्वेज में परफेक्ट हो तो। ठीक है, लेट्स कम टू फर्दर पार्ट। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की BHU की बात समझते हैं कि BHU से अगर मैं BCom ऑनर्स करना चाहती हूं तो तब मेरे लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, द एंट्रेंस टेस्ट फॉर दिस प्रोग्राम ऑफ कॉमन टेस्ट फॉर ऑल लैंग्वेजेस कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन फॉर BCom ऑनर्स BCom ऑनर्स FMM इन BHU हैव टू अपियर फॉर CUET UG 2022। तो यहां पर क्लियर क्या किया कि आपको BHU में अगर एडमिशन लेना है तो CUET देना पड़ेगा, और CUET में आपको क्या देना है, सेक्शन 1 यहां पे क्लियर नहीं हुआ, सेक्शन 1 नहीं देना, सेक्शन 2 देना है डायरेक्टली, जिसमें से आपको अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी देना है प्लस सेक्शन 2 यानी कि जनरल टेस्ट देना है। ठीक है, यानी कि BHU में एडमिशन लेने के लिए अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज प्लस जनरल टेस्ट आपको देना ही देना है। क्लियरली नीचे लिखा है कि जो बच्चे इन वाले सब्जेक्ट्स में दिखाई नहीं देंगे, जो वाले बच्चे ये वाले सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट नहीं करेंगे उनको BHU एडमिशन नहीं देगा। तो BHU में एडमिशन देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, BHU में एडमिशन लेने के लिए हमें अकाउंटेंसी प्लस BST प्लस जनरल टेस्ट देना ही देना पड़ेगा। वेरी क्लियर टू everyone कि BHU में BCom ऑनर्स के लिए मुझे एलिजिबल होने के लिए क्या करना है। समझ पाए इन बातों को? मुझे लगता है बहुत क्लियरली आपको अब समझ आ पाया होगा। यहां पर देखते हैं कि हमारे पास क्या है, दूसरा एलिजिबिलिटी क्या है कि आपको 10+2 में पास होना है। कॉमर्स के भी हो सकते हो, इकोनॉमिक्स के से भी हो सकते हो, मैथ्स भी है तब भी चलेगा, कंप्यूटर साइंस है तब भी चलेगा, फाइनेंस फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट है तब भी चलेगा, 50% आपके पास होने चाहिए। बट एक और बात लिखी है कि यहाँ पर एज का क्राइटेरिया भी है कुछ, नॉट मोर देन 22 ईयर्स, 22 ईयर्स से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, उम्मीद है कि इससे कम ही है। ठीक है, चलिए लेट्स कम टू फर्दर पार्ट। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी विच इज इन लखनऊ। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, बैचलर ऑफ कॉमर्स BCom करने के लिए आपको देना पड़ेगा जनरल टेस्ट। क्लियर, डायरेक्टली जनरल टेस्ट दे दो, आप बाबा साहेब भीमराव में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, और आपके पास 50% होने चाहिए इन योर 12th क्लास एंड 45% आपके पास ये वाली कैटेगरीज के पास होने चाहिए। ठीक है जी, अब ये UG अमेठी कैंपस के बारे में है, और अगर UG मेन कैंपस ऑफ बाबा साहेब की बात करें तो मेन कैंपस में BCom ऑनर्स करने के लिए आपको क्या क्या देना है, या तो अकाउंट्स दे सकते हो, या फिर बिजनेस स्टडीज, या फिर कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर मैथमेटिक्स, या फिर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, इनमें से एक दे सकते हो। ठीक है, प्लस इंटरमीडिएट और आपकी 12th जो है 50% से पास आउट होनी चाहिए, और दीज कैटेगरीज शुड बी पास मस्ट बी पास आउट With 45%, ये main campus का criteria है। Let's come to further part, Central University of Jharkhand ने क्या बोला? Jharkhand University में क्या होता है? आपको BCom plus MCom का एक integrated course मिलता है। तो यहाँ पर अगर आपको admission लेना है BCom plus MCom वाले integrated course में, so इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर accountancy, business studies, economics, entrepreneurship, business, mathematics, 5 के 5 domain देने पड़ेंगे अगर आप झारखंड यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो फॉर इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ BCom प्लस MCom। चलिए, आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू यू। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में अगर आप टारगेट कर रहे हो अपना एडमिशन,
तो यहाँ पर आपको ये सारे डोमेन्स देने ही देने हैं। क्लियरली लिखा है अकाउंटिंग, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स और बिजनेस मैथमेटिक्स, आपको देना ही देना पड़ेगा। प्लस आपके पास 45% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, और 5% रिलैक्सेशन कौन सी है इन वाली कैटेगरीज के लिए, 5% इसमें से भी रिलैक्सेशन हो जाएगा इफ यू आर टारगेटिंग डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। वेरी क्लियर, ओके, लेट्स कम टू फर्दर पार्ट। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आपको डायरेक्टली अकाउंटेंसी का डोमेन देना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं देना, बीकॉम ऑनर्स आपको मिल जाएगा। ओके, लेट्स कम टू फर्दर पार्ट। अगर आपका टारगेट हेमवती नंदन बहुगुना गढ़वाल यूनिवर्सिटी में अगर आपका टारगेट है तो आपके पास क्या होना चाहिए, बीकॉम अगर आपको करना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट यानी कि सेक्शन 3, चाहे आप साइंस के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, आप बीकॉम ले सकते हो हेमवती में, बट आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल टेस्ट देना पड़ेगा डायरेक्टली, और साथ के साथ ट्वेल्थ में आपके 40% होने चाहिए एंड अदर कैटेगरीज के लिए 35% रिलैक्सेशन है, ठीक है, 35% दे सकते हो, 5% का रिलैक्सेशन है। वेरी क्लियर, इतनी यूनिवर्सिटीज की बातें मुझे लगता है हर बच्चे को समझ आई होंगी। डीयू की आपको सभी को क्लियर हो गई होगी कि डीयू में अगर मुझे एलिजिबल बनना है तो मुझे कौन कौन से एग्जाम्स देने हैं, बहुत अच्छे से समझ पाए इन बातों को। आई होप सबके लिए ये सेशन बहुत बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। मुझे लगता है कि ये एक मस्ट सेशन था, बहुत बच्चों को इन चीजों में डाउट्स हो रहे थे कि अब मैम ये क्या करना है, बीकॉम हमें करना है, सिर्फ ये बता दो कि क्या क्या डोमेन देने और कौन कौन से सब्जेक्ट देने। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत क्लियरली आप लोग समझ पाए होंगे। कोई भी डाउट्स, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स रह जाते हैं और अगर आप कोई और यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट। अपने कॉमेंट्स विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग भेज सकते हो इन द कॉमेंट सेक्शन। आज का सेशन तो एंड होता है यहीं पर, आर टोटली लर्न करो ऐप आपसे भी डाउनलोड कर सकते हो फॉर द पेड एंड फ्री कॉन्टेंट, ठीक है, तो बहुत सारा कॉन्टेंट आपको फ्री और पेड मिल जाएगा ऑन द लर्न करो ऐप। आज का सेशन एंड होता है यहाँ पर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।